कल की का कल वाला ऑफिशियल कलेक्शन क्या आया था, आज मैं थोड़ा बिजी था, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। कल के कलेक्शन के बाद, क्योंकि आज 1000 करोड़ का पोस्टर नहीं आया है, 1000 करोड़ अभी तक नहीं होना, इससे ये बात पता चल जाती है कि कल की को आप ज़्यादा से ज़्यादा 1050 या फिर 1100 करोड़ एक्सपेक्ट करो। 1100 भी मुझे डाउट है, अगर सरफिरा और इंडियन टू नहीं चलती है तो आप कल की से वापस कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, वरना नहीं। बट जो अभी हालत है बाकी फिल्मों का, चाहे वो कमल हसन की इंडियन टू हो या फिर सरफिरा हो एडवांस बुकिंग का, उससे कल की के लिए एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिकली। बट जो कलेक्शन कल आया है वो भी हम ठुकरा नहीं सकते। 7.5 करोड़ का कलेक्शन आना नेट में, हिंदी में 4.5 करोड़ का लगभग आना, तेलुगु में 2 करोड़ से थोड़ा कम आना, 537 करोड़ 14 दिनों में नेट कलेक्शन आना, और आज लगभग आप 5 करोड़ पूरे देश में एक्सपेक्ट करो, 6 करोड़ एक्सपेक्ट कर लो चलो, तो 543 से लेके 544 करोड़ का नेट कलेक्शन हमें 15 दिन में देखने को मिलना नेट में। वर्ल्ड वाइड शायद कल हमें, आज हमें 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस देखने को मिलेगा, यानी कि कल पोस्टर आएगा। इससे एक बात तो लेकिन पता चलती है कि कल की डिपेंड करती है कि सरफिरा और इंडियन टू के साथ क्या होता है बाद में, इसके स्क्रीन्स अगर बाय चांस कम हुए भी होंगे और अगर वो दो फिल्में नहीं चलती है तो भाई इसके वापस स्क्रीन्स बढ़ जाएंगे, और ऐसे में उसकी एक उम्मीद बढ़ जाती है बैड न्यूज़ आने तक। बैड न्यूज़ जो फिल्म आने वाली है वो आने तक, उसके बाद मुश्किल है। तो जो भी है 1000 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वो तो हो जाएगा, 1000 1050, आई सीरियसली थिंक दैट। मैं ना उस टाइप का नहीं हूँ, मैं बायर्स नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ रहता हूँ। मुझे 1200 1100 पे थोड़ा डाउट है, ओके, बट 1000 कन्फर्म। सो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोगों का कोई टारगेट है इसको तोड़ो उसको तोड़ो वाला, वो एट प्रेजेंट तो मुझे नहीं दिखता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर।